हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों डाइन और डाया का कुछ गुप्त बात मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि साधक या साधिकाए जौन सभी मेरा भाई तंत्र विद्या जब करता है या तंत्र मंत्र में जब रुचि रखता है तो दोस्तों डाइन और डाया से वो लोग के बहुत डर लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं बोलता हूँ हमेशा देखो डरने का कोई बात नहीं है डाइन हो या डाया हो। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी एक इंसान है। ठीक है, पहले का बाद में दोस्तों वो लोग भी किसी को ऐसे ही परेशान या ऐसे ही टॉर्चर वो लोग नहीं करता है। ठीक है, डाइन के माध्यम से दोस्तों साधक के नाम होता है। ठीक है, और कैसा होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो जौन सा भी साधक जब होगा ना तो उसके आसपास में डाइन तो जैसा भी रहती है। ठीक है, तो जब डाइन जब रहती है दोस्तों तो साधक के वो डाइन के माध्यम से साधक का नाम होता है दोस्तों। लोग लग जाता है दोस्तों उस साधक के जानने हैं कि फलना आदमी भी देख सुन करता है अच्छा कर लेता है। ठीक है, साधक या यही बात जब सोच के वो लोग डर जाता है उसको शंका स्वभाव थोड़ा आ जाता है कि मानेंगे चलो दूसरे बंदे को जब ठीक करता है तो मुझे वो कुछ नहीं कर दे। ठीक है, तो एक पहले बात है ख्याल करना दोस्तों, जौन साहब मेरा भाई तंत्र में रुचि रखता है या तंत्र विद्या जब करता है तो डाइन से डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जब होंगे तो ये तो बात जरूर पता होगा दोस्तों, क्योंकि गुरु और टोले मोहल्ले गांव समाज के जौन सही बुजुर्ग या जौन सही मेरा भाई जब रहता है तो वो बोल देता है कि ऐसा मजाक में भी बोल सकता है कि गुरु और जौन डाइन जब है वो भा बहन की तरह है। ठीक है, तो ये भी बात बहुत सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब बात जब रहता है या ट्रम रहता है वो इंसान से या वो डाइन से, तो गुरु जब ट्रम उसे जब रखता है तो क्या होता है, कोई भी जब बात रहता है तो वो डाइन से पूछ लेगा तो वो बता देगी। ठीक है, डाइन गुरु से ड्रम जब रखती है तो वो बता देगी। ठीक है, एक भाई बहन के तरह दोस्तों वो लोग भी है। ठीक है, क्योंकि देखो डाइन जब तक ले कोई आदमी को क्षतिपूर्ति या कोई भी काला जादू या कोई भूत प्रेत उसके शरीर के ऊपर जब तक नहीं बैठाती जब तक ले गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है डाइन जिधर है उधर गुरु का भी होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग डरिए नहीं, गुरु जन है गुरु के एक फायदा होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा उसका कमाई हो जाता है। ठीक है, और कैसा कमाई होता है देखो, दूसरे इंसान के मन चलो वो डाइन के तो खींच भी था कोई इंसान के ऊपर तो उसके शरीर के ऊपर भूत भूत प्रेत या जो भी चीज़ या कोई भी काला जादू उसके ऊपर कर दिया, मैंने कोई भारी प्रयोग जब करने के बाद में क्या वो तो बोलेगा गुरु के पास जब जाएगा तो बोलेगा कि हाँ कि ये सामान दो चाहे इतना पैसा लागे मैं तुम्हारा कार्ड कर दूंगा। ठीक है, तो 5,000 रुपया लिया कार्ड को कर दिया, करने के बाद एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, होने के बाद में देखो गुरु का कमाई भी हो गया उसका खीस भी था वो डाइन का तो वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा कमाई होता है। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों, आप लोग डाइन से डरने का कोई बात नहीं है। जब डरते हैं तो ये मेरा वीडियो जब देख लिए हैं तो डरिए नहीं। ठीक है, साधक हो तो नहीं तो आम आदमी के मैं बोलता हूँ ये भी बात है कि वो भी इंसान नहीं डरिए नहीं तो डर जाएंगे तो जानते कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं मैं सुना हूँ दोस्तों या सुनने में भी आता है कोई भी इंसान जब तंत्र विद्या जब करता है ना तो उधर के क्या होता है 4-5 औरत को भी वो सिखा देता है। ठीक है, हाँ उसको क्या सिखाते हैं सिर्फ काला जादू करने के लिए, ताकि ये काला जादू जब कोई भी इंसान को जब करेगी तो मेरा पास आएगा तो मेरा अच्छा खासा कमाई भी हो सके। ठीक है, इस वजह से वो लोग सिखाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी गाँव में मान कर चलो एक तंत्र विद्या करने वाला वो 4-5 उधर का कोई लेडीज या कोई औरत को जब सिखा दिया सिखाने के बाद उसको पकिया कर दिया। ठीक है, तो औरत का थोड़ा भी इधर उधर कोई भी इंसान के खींच पीत रहते तो उस पर तो काला जादू का प्रयोग करेगी। ठीक है, वो क्या सिखाया रहता है कि कोई भी आदमी जब अच्छा से खाता है कमाता है उसके ऊपर ये सब प्रयोग करो। ठीक है, क्योंकि वो इंसान या वो आदमी मेरे पास आएगा तो उसको झाड़ फूँक करूँगा तो पैसा देगा जितना मांगूंगा उतना देगा। ठीक है, तो इस वजह से कोई ऐसा प्रयोग वो लोग कर देता है। ठीक है, उसको अच्छा खासा कमीनी भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा जब रहता है दोस्तों तो बहुत गुरु जो रहते हैं उसको फायदा होता है। ठीक है, हाँ ये ऐसा भी होता है दोस्तों। ठीक है, कोई तंत्र विद्या कोई औरत जब करती है
तो कोई आसपास में कोई जब गुरु जब रहता है झाड़ फूँक करने वाला, तो वो औरत को पकड़ लेता है, ठीक है। पकड़ने के बाद में क्या होता है, उसको वचन ले मने वो ले लेता है, ठीक है। कोई भी इंसान को जब करती है तो ठीक है करो, मैं देख सुन जब वो इंसान को जब कर दूंगा तो उसको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चाहे मैं बोल दूंगा तो अपने तंत्र विधा है वो खींच लेना है, ठीक है। तो वचन लिया जाता है दोस्तों। नवरात्रि के एक समय ऐसा होता है दोस्तों, उस समय ये सब कोई भी औरत जब ये सब तंत्र लाइन में जब रहती है तो दोस्तों उसको पकड़ा जाता है या उसे भेंट मुलाकात किया जाता है, ठीक है। कौन सा दिन है दोस्तों, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि गुरु परंपरा से सब आया है दोस्तों, ठीक है। नवरात्रि का एक समय होता है, ठीक है, 9 दिन के भीतर में एक दिन कोई समय ऐसा है कि उस समय ये सब पकड़ा जाता है या उसे वचन दिया जाता है वो डाइन से, ठीक है। फिर भी अपना जो प्रयोग रहता है दूसरे के ऊपर जब किया रहता है, वो गुरु जब बोल देगा तो खींच लेती है, ठीक है। यही बात है दोस्तों, ठीक है। अभी तक मेरा YouTube चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना दोस्तों ये वीडियो का शेयर करिए, ताकि कोई भी साधक या मेरा भाई जब तंत्र विधा या कोई डांस जब डरता है तो दोस्तों ये मेरा वीडियो उनके पास पूगे तो वो डरने का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो सब बात मैं बता दिया ना, क्योंकि जौन बात रहता मैं खोल कर बताता हूँ, ठीक है। यही बात है दोस्तों, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करिए दोस्तों, आप वीडियो पसंद है लाइक करिए दोस्तों। अभी के लिए चलता हूँ, जय माता दी।